आप देख रहे हैं यू फॉर यू लाइव। इस वक्त हम हैं अखनूर रोड में। यहाँ पे मेटाडोर और बस यूनियन वालों ने आज एक बड़ा फैसला किया है। इन्होंने अपनी मेटाडोर और बसेस बंद कर दी हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह सभी मेटाडोर और बसेस जो हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। जम्मू मिश्रीवाला मेटाडोर रूट की बात की जाए और इसी मिश्रीवाला के आगे कम से कम 30 से 40 गांव हैं यहाँ तक ये मेटाडोर जाती हैं और 300 से 400 मेटाडोर यहाँ रोज़ चलती हैं, वो सारी आज इन्होंने बंद कर दी हैं अचानक से। और जम्मू पलां वाला अखनूर जो बस सर्विस चलती है, प्राइवेट बस सर्विस, वो भी आज बंद की है इन्होंने। एक टोकन स्ट्राइक की है, बंद कर दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस वाले इनको तंग करते हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स तो सारे पूरे हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनको तंग किया जाता है। अगर हमारी, इनका कहना है कि अगर हमारी एक सवारी खड़ी होती है, ओवरलोडिंग होती है, तो उसको 9 से 10 बना दिया जाता है, इन लोगों का कहना है। और इसी को लेकर इन्होंने आज एक टोकन स्ट्राइक की है। आज सारा दिन ये जम्मू मिश्रीवाला जो मेटाडोर यूनियन है और जम्मू पलां वाला अखनूर जो बस यूनियन है, वो आज उसकी सर्विस ठप रहेगी। इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? भारत भूषण शर्मा। भारत भूषण जी, पहले आप अपने बारे में बताएं, आप क्या हैं? मैं सर अपने जम्मू शम ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं। क्या दिक्कत हुई आज, ठप की आप सर्विस? सर, दिक्कतें तो बहुत हैं। ट्रैफिक वालों ने हमको 3-4 महीने से बहुत तंग करके रखा है। हमारे चालान पे चालान देते हैं ये रोज। अगर गाड़ी, किसी गाड़ी में 2 या 4 सवारी ओवरलोड होती है, जब हमारा ड्राइवर उनको बोलता है कि सर ये देखो आप 2 सवारी ओवरलोड है, 4, वो उनका जो बड़ा ऑफिसर होगा, जो छोटा चालान काट रहा होगा, उसको बोलता 4 की बजाय 40 लिख दे। हमारे साथ इतनी जाति हो रही है, इतना भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा। देखो जम्मू में हमको इतना तंग किया जा रहा है, कश्मीर में देखो किसी को कोई नहीं पूछने वाला, मगर हमारी गाड़ी इधर इतने ऑपरेट करने के लिए इतना तंग कर रहे हैं। आज की डेट में हम अपनी गाड़ियाँ चला नहीं सकते सर। ये हमारी जो आज का जो प्रोटेस्ट किया और हमने गाड़ियाँ बंद कर दी हैं कि जो चलानिंग सिस्टम से हम इनसे तंग आ गए हैं। कब तक बंद रखोगे? जब तक ये हमारे साथ कोई वार्ता नहीं करेंगे, कोई हमारे साथ कोई रिलीफ नहीं हमको देंगे, जहाँ हमारी कोई बात डिमांड नहीं मानेंगे। सर, शक्तिनगर से लेके प्लोड़ा तक 1.5 किलोमीटर में 4 स्टाफ बैठे हैं, 4 DTI, 4 SO बैठे हैं। बताओगे इतना कौन सा हम ना जुल्म कर रहे हैं, जो हमारे साथ इतनी चेकिंग हो रही है कि 1 किलोमीटर के बाद गाड़ी का डॉक्यूमेंट चेंज हो जाता है। तो इसी तो तरीके से हम इनसे तंग आके अभी हमने अपनी गाड़ी बंद कर दी है। जब हमारी कोई बात मानेंगे तब हम फिर अपनी गाड़ी। सर, आपने हमें बताया कि 4 सवारियाँ खड़ी हो तो ये ज़्यादा डालते हैं जी। जो 4 सवारियाँ खड़ी क्यों होती हैं, आप क्यों नहीं मना करते हो कि ओवरलोडिंग? देखिए, पहले अपना तारुफ। मैं विजय सिंह, प्रेसिडेंट मेटाडोर यूनियन। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, 4 सवारियाँ का मसला नहीं है हमारा। हमारी गाड़ी में अगर 20 पैसेंजर बैठते हैं तो उसमें 15 के करीब स्टूडेंट होता है उस गाड़ी में। अब देखिए, स्टूडेंट आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। स्टूडेंट हमें देता क्या है? स्टूडेंट जो है कि हमें 50% किराया देता है, जिससे हमारा फ्यूल भी पूरा नहीं होता। अगर मान लो हमारा 400 रुपए का डीजल खर्च होता है, 200 रुपए ही बनता है उसमें। तो हमारा ये कहने का मतलब ये है कि सरकार हमें जो ओवरलोडिंग 2-4 पैसेंजर दी है, उसके बदले में दिए हो, अपनी तरफ से उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। आप देखिए, स्टूडेंट को और किसी और भी कोई महकमा क्या कंसेशन देता है? कोई बार वाला या और कोई देख लिया चाय वाला? बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं गाड़ी टोटली। आप देख लिए, वो पिछला जमाना गया, आज ऑनलाइन सिस्टम है। आप अपने मोबाइल में गाड़ी नंबर डालिए, 4 कागज आ जाएंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि गाड़ियों के पास कागज नहीं है। ड्राइवर वर्दी डाल के गाड़ी चलाता है लेकिन तब भी बोलते हैं ये तेरा नाक टेढ़ा है। अब इसमें कारण क्या है वो हमें नहीं पता। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं आप, अगर हमारा कोई, हम ये नहीं है कि लीगल चलेंगे, इलीगल चलेंगे, लीगल चलेंगे, लेकिन और तरीके से चलाइए। अगर जो हमारे साथ टेबल पे बैठ के जो बात होती है, ग्राउंड पे भी वो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर, ये बताएं, ये जम्मू मिश्री वाला, जम्मू पलां वाला अखनूर की बात की जाए, बाकी जो मेटाडोर एसोसिएशन है, बस एसोसिएशन है, वो क्यों नहीं सामने आ रहे? ऐसा नहीं है, मैं पूरे जम्मू प्रामिस को चलाता हूँ, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पूरे जम्मू प्रामिस का। लेकिन ये हमारा ऑन स्पॉट बना है, हम अभी बैठ के मीटिंग करेंगे, कल के लिए हम पूरा चक्का जाम करेंगे, पूरा जम्मू जाम करेंगे। थैंक यू सर। इनका साफ कहना है कि ये एक टोकन स्ट्राइक की है इन्होंने आज। अगर इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल नहीं किया कि जल्दी, तो वह ये सारे जम्मू शहर में चक्का जाम करेंगे और अपनी जो डिमांड्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे। इनका साफ कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इनके साथ गलत किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से सुना आपने, इन्होंने बताया, हालांकि ये कहां तक सही है ये तो आप ज़्यादा समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा कि ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, फिर भी इनको तंग किया जाता है। अब भी इन्होंने साफ किया है कि ये एक टोकन स्ट्राइक सिर्फ आज के दिन की है, अगर जल्दी इनका मसला हल नहीं किया गया तो ये सभी जम्मू में पूरा चक्का जाम करेंगे।
जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह यू फॉर यू के लिए।